नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी फिर से क्रिकेट को शुरू करने की कवायद जारी है। कई देशों में क्रिकेट शुरू हो चुका है और कई देश इसकी तैयारी में लगे हैं। कोरोना की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि खेल में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने कोरोना की वजह से खेल के नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसमें गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा गलती से कर देता है तो गेंद को दोबारा से सैनिटाइज किया जाता है और खिलाड़ी को हिदायत भी दी जाती है। वार्निंग के बाद ऐसा करने पर ICC ने सजा का प्रावधान भी किया है। लेकिन काउंटी क्रिकेट में एक गेंदबाज ने तो हद कर दी। ससेक्स की तरफ से खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिच क्लेडन ने गेंद को चमकाने के लिए हैंड सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल कर दिया। मामला पकड़ में आने के बाद खिलाड़ी को निलंबन झेलना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज क्लेडन ने काउंटी क्रिकेट क्लब ससेक्स ने बाहर कर दिया है। 37 साल के इस गेंदबाज के ऊपर गेंद को चमकाने के लिए हैंड सैनिटाइजर लगाने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। पिछले महीने खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मिडिलसेक्स के खिलाफ हुए इस मुकाबले के दौरान क्लेडन द्वारा गेंद पर सैनिटाइजर लगाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। ससेक्स की तरफ से बयान में कहा गया है कि मिच क्लेडन को निलंबित कर दिया गया है। ECB के आरोप की जांच चल रही है और मिडिलसेक्स के मैच के दौरान गेंदबाज ने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल गेंद चमकाने के लिए किया था या नहीं। COVID-19 महामारी के दौरान प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी गेंद पर लार नहीं लगा सकता है। इससे पहले गेंद को चमकाने के लिए गेंदबाज ऐसा किया करते थे। ICC के दिशा निर्देश के मुताबिक पसीना लगाकर गेंद चमकाने की इजाज़त है, लेकिन लार पर पाबंदी लगाई गई है। ये अपने आप में नया मामला है। अब देखना है जाँच के बाद क्या सामने आता है। अगर मामला सही पकड़ा जाता है तब ICC इस मामले पर सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।